या कभी डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले लिया, कभी एक्टिंग कर ली। मुझे अभी तक याद है, मैं एक दफा छोटा होता था तो मैंने टीवी में किसी को देखना, तो मैंने बोला कि मुझे टीवी में आना, तो मेरे ही घर में से किसी ने बोला था बेटा टीवी तो कंजर लोग आते नहीं। जब मैंने फर्स्ट टाइम एक वीडियो की तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जो लोगों के नीचे कमेंट्स आते हैं, क्योंकि वो आपकी अप्रिसिएशन होती है। ऑन कैमरा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में आपको पता है कितने सुसाइड्स होते हैं, ये चीज़ें कभी कभी बाहर नहीं आई। समी के बारे में एक बात है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये उसकी अच्छी बात है, और वो जो चीज़ होती है स्ट्रेट वे बोलता है। All right, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. My name is Saujit Malik and welcome to another episode of Mic Check Podcast. और आज का जो हमारा podcast है, एक बहुत jam pack show होने वाला है, because आज के जो हमारे set पे इस वक्त जो है, वो तीन guest मौजूद हैं, और उनमें से सबसे पहले जो हमारे guest हैं, वो बैठे हुए हैं हमारे पास, उस जो उनकी जो YouTube चैनल है या उनकी जो ग्रुप है उसकी जान बैठे हुए हैं। अभी ऑफ द कैमरा जो हमारी डिस्कशन हो रही थी, मेरी जो गालें हैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, बिकॉज इतनी मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू हो रही थी। तो हमारी कोशिश है पॉडकास्ट हम बड़ा सीरियस और अच्छे तरीके से लेके चलें, लेकिन मुझे बड़ा खच्चा है कि बीच में जुगतों की आवाज़ें हमें बीच में आएंगी आएंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स वेलकम अली हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक, आप सुनाएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फॉर द पीपल हु नोज अली, उनको तो पता ही है कौन है। फॉर द पीपल हु डोंट नो अली, अली और उनकी जो टीम है वो एक यूट्यूब चैनल है, उस पर वीडियोस बना रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा वायरल हुए ड्यूरिंग कोविड। तो पहले इनसे इनकी स्टोरी पूछते हैं और पूछते हैं इनके फ्यूचर प्लान्स क्या। अली भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपनी ऑडियंस को ये बताएं आपका किस नाम से यूट्यूब चैनल है और आजकल क्या कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो है यूनिक माइक्रोफिल्म्स के नाम से, जो कि इसका पहला नाम था वो था यूनिक वाइंस गुजरांवाला, क्योंकि हम गुजरांवाला में स्टार्ट किया था। लेकिन फिर जब हम लोगों ने वीडियोज लगाना स्टार्ट की तो बहुत सारे लोगों ने मतलब मुझे एक चीज़ बोली कि यार आपकी वीडियोस इतनी वायरल नहीं जा रही। तो फिर मेरे एक दो दोस्त थे जो इस फील्ड में थे, तो उन्होंने बोला जब किसी सिटी का नाम आ जाता ना तो वो चीज़ रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो वहाँ तक रह जाते, तो कोशिश करो अपना नाम चेंज करो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं थे और इतने फॉलोअर्स नहीं थे, टाइम से नाम चेंज कर लिया। देन फिर हम लोगों ने इसको यूनिक माइक्रोफिल्म्स रखा और ये मैंने स्टार्ट किया था 2018 में। अच्छा, यूनिक नाम किसने सजेस्ट किया था? यूनिक माइक्रोफिल्म्स बेसिकली जब मैंने समी को ग्रुप में ऐड किया था तो समी का जो स्कूल का नाम था वो था यूनिक। हम लोगों की टीम में बेसिकली तीन मेंबर्स हैं, पहले तो थे आरजे मीर हमजा, मैं और समी। उसके बाद फिर आरजे अभी आजकल जरा पीएचडी के अंदर बिजी है, तो वो साहब कह रहे हैं कि मुझे अपनी जो स्टडी है उसको जरा फर्दर आगे कंटिन्यू करना है, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया कि मैं जरा पीछे रहना चाहता हूँ। तो आजकल गोहर भाई हमारे साथ है। वेरी गुड, परफेक्ट। अच्छा अली भाई, बिकॉज वी सी योर वीडियोज एंड बिग फैन, फैमिलीज देख रही होती हैं आपकी वीडियोज, आप माशाल्लाह बहुत पॉपुलर है, बहुत वायरल है। अब कंपैरेटिवली एज एन ऑडियंस अगर मैं आपको ऑन स्क्रीन देखता हूँ तो जो मैं पर्सनालिटी देख रहा होता हूँ वो ऑफ द कैमरा व्हाइल हैविंग दिस डिस्कशन, एक बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी है आप। यू आर बहुत नाइस, वेरी जेनरस, वेरी पायस। तो जब ऑन कैमरा आप लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं और खास तौर पर जब आपने एक रूड बाजी का रोल प्ले करना होता है, तो वो कैसे कर रहे होते हैं और वो आपकी रियल लाइफ से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा होता सारा कुछ? नहीं, मेरी रियल लाइफ उससे कोई भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रही होती। लेकिन ऐसी है जब जैसे कैमरा ऑन हो जाता मुझे खुद नहीं पता लगता भाई मेरे अंदर कौन से सेल आ जाते हैं। अच्छा। वो पता नहीं एकदम से टुट पैने, मर जाने, तू पागल है, तू वेंज कर रहे हैं, वो एकदम से इतना शुरू हो जाता है। लेकिन जारी बात है ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा हर इंसान की पर्सनैलिटी में डिफरेंस होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम जब किसी को मतलब ऑन कैमरा देख रहे हैं और हम उसकी उसी वजह से उसको हम लोग जज करते हैं, बिल्कुल। लेकिन हर एक की जो पर्सनैलिटी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और जारी बात है हर इंसान अपनी एक स्ट्रगल से गुजरा होता है, उसकी लाइफ में कुछ डिफरेंट फेजेस होते हैं, हर इंसान अपने अंदर बेसिकली एक जंग लड़ा होता है, तो वो उसको ही पता होता है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ये दिस पॉडकास्ट इज पर्टिकुलरली फॉर यू, बाकी हम आते हैं समी से और मिस्टर बाजवा से वो करेंगे। सो टेल अस अबाउट योर लाइफ, योर स्ट्रगल्स, के आप लोगों ने पहले मुझे बताया आपकी स्टडी स्कूल कहाँ से आपका? बेसिकली मेरी स्कूल, मेरा स्कूल तो गुजरांवाला से ही है, और मैंने 2011 या 12 में मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया। देन मैं पंजाब कॉलेज से अपनी एफएससी प्री इंजीनियरिंग की। देन फिर मैंने यूसीपी के अंदर डिग्री स्टार्ट की अपनी, यूसीपी गुजरांवाला से अपनी डिग्री स्टार्ट की। लेकिन जब वहाँ पर था, लेकिन जो मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी वो कॉमर्स थी, तो लेकिन वहाँ पर जारी बात है एक मेरिट बहुत ज़्यादा होता है। तो किस सब्जेक्ट में? बीएस फिजिक्स में। फिजिक्स में? फिजिक्स में। ओके, बेसिकली मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, गॉड गिफ्टेड सब्जेक्ट है, मुझे उसे बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन जब कॉमर्स के अंदर गया तो करवाया बीएस मैथमेटिक्स में था, लेकिन मेरिट कम होने की वजह से नाम आ गया बीएस फिजिक्स में। पहले मेरे पास चॉइस नहीं थी यार, मैं करूं क्या, मैं बैठ गया। लेकिन बस उस यूनिवर्सिटी जाना था। वो कहते हैं ना जब आपको किसी चीज़ से प्यार होता है तो फिर आप नहीं देखते कि बस आपको एक दफा वहां घुसना जरूर है। तो जैसे ही मेरा वहां पर नाम आ गया, मैंने घर बोल दिया कि आई एम ओके, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, ये चीज़ है। देन मैं चला गया वहां पर और वहां से मैंने अपने बीएस फिजिक्स को स्टार्ट किया और
अब फिर मुझे वहाँ पे एक टीचर ने बताया, जब मैं पहला सेमेस्टर पढ़ा फिजिक्स का, तो मुझे थोड़ी सी चीज़ें अजीब लगी। मुझे यह था यार, हम लोगों ने जो 9th-10th में पढ़ा हुआ है, फोर्स दी होगी, मास दिया होगा, एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, मतलब फिजिक्स इतनी ईजी लग रही थी। लेकिन जो आपने बोला ये मुझे पता ही नहीं क्या लेकिन ये जो सुन रहे हैं उनको पता होगा कि जो 9th-10th की फिजिक्स बहुत ईजी थी, लेकिन जैसे मैंने यूनिवर्सिटी लेवल की फिजिक्स पढ़ी फर्स्ट सेमेस्टर, तो मुझे लगा कि नहीं, ये डिग्री मेरे लिए नहीं है। तो देन मेरे टीचर ने बोला कि इफ़ यू आर अ गुड मैथमेटिशियन देन यू आर नॉट अ गुड फिजिस्ट, बट इफ यू आर अ गुड फिजिस्ट देन यू आर अ गुड मैथमेटिशियन। सो उस चीज ने मुझे इंस्पायर किया, तो मैंने उस पर अपनी डिग्री स्टार्ट कर दी। अच्छा, लेकिन देखे ना, अब यू आर प्रोड्यूसिंग कॉन्टेंट, और कॉन्टेंट प्रोड्यूस करना जो है वो हर बंदे से नहीं हो सकता, बहुत क्रिएटिव माइंड चाहिए होता है, और उसको कंटिन्यू रखने के लिए उससे भी ज्यादा क्रिएटिव माइंड चाहिए होता है। अब कंपैरेटिवली अगर जिस में आप स्टडी कर रहे थे फिजिक्स, जो वो बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड है, तो ये मिसमैच कैसे एकदम से? बेसिकली आपको पता है कि जो हमारी फैमिलीज होती हैं वो, और स्पेशली जो देसी फैमिलीज होती हैं, ब्राउन पेरेंट्स होते हैं, उनकी सबसे मेन चीज़ होती है कि बच्चा सिर्फ स्टडी करे। लेकिन बचपन से मुझे शौक था, जब मैं स्कूल में कॉलेज में होता था, मैं थिएटर में परफॉर्म करता था, या कभी डांस कंपटीशन में हिस्सा ले लिया, कभी एक्टिंग कर ली। मुझे अभी तक याद है, मैं एक दफ़ा छोटा होता था तो मैंने टीवी में किसी को देखना, तो मैंने बोला कि मुझे टीवी में आना, तो मेरे ही घर में से किसी ने बोला था बेटा टीवी तो कंजर लोग आते हैं, लाइक वो एक चीज़ है जो हमारे पास स्टिग्मास थे। लेकिन वो कहते हैं शुरू से जब आपके अंदर वो चीज़ होती है तो वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है। तो जब ऐसे ही मैं अपना ये काम कर रहा था, तो मेरे घर वालों ने तो मुझे सिर्फ स्टडी पे बेस, मतलब एक किताबी कीड़ा बना दिया हुआ था, हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं था आता। फिर ऐसे 2015 के अंदर वलीद वकार मेरा एक फ्रेंड था, तो उसका एक चैनल था WT, तो वहाँ से वो काम करता था। एक दिन उसने मुझे बोला कि यार तू इतनी चैटिंग करता, तो मेरी वीडियो में आ। तो वहाँ से मैंने फिर स्टार्टअप लिया अपना। जब मैंने फर्स्ट टाइम एक वीडियो की तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जो लोगों को नीचे कमेंट्स आते हैं, क्योंकि वो आपकी अप्रिसिएशन होती है। और फिर उसने बोला कि नेक्स्ट टाइम, जब उसने मुझे नहीं डाला तो लोगों का है कि यार उस मोटे को वापस लेके आओ, उसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी है। अच्छा। और लेकिन मुझे चीज़ की खुशी थी कि यार इट्स ओके, मेरे लोग मेरी डिमांड कर रहे हैं, ये चीज़ है। और फिर इस तरह मैंने ये काम स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि आपको पता है मेरी डिग्री भी चाह रही थी, लेकिन मेरे बाजी ने तो मुझे एक बात बोली थी, बेटा मुझे डिग्री चाहिए, साथ जो मर्जी करो, लेकिन मुझे ये चीज़ चाहिए। ये कौन से साल की बात है? ये 2018 में, जब मैंने मतलब 15 में तो काम कर रहा था, कभी किसी किसी वीडियो में आ रहा था, 18 में तो मैंने खुद का जब चैनल बना लिया यूनिक माइक्रोफिल्म, तो तब मेरे घर वालों की तरफ से फुल शक्ति थी कि डिग्री पहले, बाकी सारे काम बाद में। लेकिन वो मेरी लाइफ इतनी स्ट्रगल वाली लाइफ थी कि उस वक्त क्या होता था कि आपको पता है कि हम देसी बच्चों का सिर्फ एक लिमिटेड खर्चा होता है, तो मुझे वो 16,000 रुपये मिलता होता था। अब इसके अंदर मतलब आप अच्छे हॉस्टल में रहो, मतलब 8-10 हज़ार का तब हॉस्टल मिल जाता होता था, तो बाकी 8 हज़ार आप अपना खाना पीना एंजॉय करो। अब मैं क्या करता था कि नहीं यार मुझे वीडियोस बनानी है, शौक था, तो मैंने 4,000 वाले हॉस्टल लिया, जहाँ पे एक बारीक सा गद्दा होता था, मतलब सोया भी नहीं था जाता, लेकिन सिर्फ ये कि वीडियोस बनानी है। अब बाकी पैसों को मैं क्या करता था कि 4,000 मैंने हर हफ्ते आना जाना है, और घर जब पूछते थे कि हर हफ्ते क्यों आ जाते हो, कहता था यार आपकी याद बहुत आती है, तो इसलिए वहाँ पर दिल नहीं लगता, असल काम था कि वीडियोस बनानी है। अच्छा, ठीक है। तो फिर वो हर हफ्ते आना, फिर साथ वो यूनिवर्सिटी को मैनेज करना बहुत टफ होता था। अंदर आया कई पॉइंट्स पर बंदा स्ट्रक भी हो जाता था, लेकिन वो कहते हैं कि जब आपका पैशन है तो फिर आप वो चीज़ें करते ही। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अच्छा, आप 2018 में आपने शुरू किया जब, जी जी, उस वक्त जो था वो लोगों में ये आइडिया कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था कि हाँ यूट्यूब भी कोई चीज़ है और इसमें आप अर्न भी कर सकते हो और अपना टैलेंट दिखा सकते हो ऐसे, तो फौरन ही रिस्पॉन्स गुड आना शुरू हो गया था? नहीं, फौरन रिस्पॉन्स नहीं आया। 2018 में जब काम करना स्टार्ट किया तो पहले वीडियोज़ पे व्यू आते थे 500-1,000, बस इतने व्यूज़ आते थे, उसके बाद स्टिल रुक गए। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, जो अगर ऑडियंस सुन भी रही है, तो आजकल के स्पेशली आपको पता है कि हर बंदा इस चीज़ में घुस रहा है। ऐसे उस वक्त क्या होता था कि मतलब ये जितना भी कंटेंट बनाने वाले हैं वो बहुत कम थे और देखने वाले ज़्यादा थे। आज के दौर में तो हर बंदे कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है, ठीक है, और देखने वाले कम रह गए। जब हम ये काम कर रहे थे तब सबसे मुश्किल चीज़ ये होती थी कि यार अब इस चीज़ को करूँ कैसे, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो फिर मैंने एक वीडियो चलनी होती बाकी सारी ऐसे ही और कंटेंट तब भी अच्छा ही था, पुरानी वीडियो सेट हुई, अच्छा कंटेंट था, तो जब पहले व्यूज नहीं आ रहे थे तो डीमोटिवेशन हुई थी। लेकिन यही था कि डीमोटिवेशन तो सारी बात होती है आपको, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि आप हिम्मत ना हारो, पेशेंस। अब सारी बात, अगर मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो मैंने ये था कि यार हिम्मत नहीं हारनी, एक शौक था। आपको मतलब बताया कि मुझे एक्टिंग का शौक था, तो मुझे एक्टिंग करनी थी बस, जो भी है। तो मैं हर हफ्ते आता था और वीडियो डालता था, अगर व्यूज नहीं आ रहे मैं फिर भी उस हफ्ते आया हूँ और वीडियो डाली है, वीडियो डालना नहीं रोकी। ये अपने यूनिक की बात कर रहा है, मतलब वो जो अपनी कंसिस्टेंसी है वो नहीं छोड़ी इसमें, मतलब कि काम करना ही करना, कुछ भी हो जाए, व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फिर एकदम से लॉकडाउन के अंदर, ये 2020 आपको पता है 18 के बाद 19 में लॉकडाउन वगैरह लग गया, जब ये कोरोना वायरस वगैरह आया, उसके बाद फिर
गुड्डी ऊपर फटेगी सारा कुछ, मतलब समझ नहीं लगा एकदम से ऐसे और ऐसे। माशाल्लाह, नहीं पीछे स्ट्रगल भी तो थी ना, स्ट्रगल सारी बात है। वो लोगों को अभी मतलब जैसे अभी आपसे मेरी बात हो रही थी तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है, वो कहते हैं हाँ यार आपका तो फुदू लग गया हुआ है, फ्री में देखो कितना पैसा कमा रहे हो, लेकिन किसी को पीछे की स्ट्रगल नहीं पता कि मैंने 2015 से शुरू किया हुआ है। पहले मैं किसी के साथ काम करता रहा, फिर मैंने अपनी चीज़ बनाई। ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है कि जब आप अपनी चीज़ बना के उस लेवल तक लेके जाओ, बिल्कुल उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत थी वो चीज़ हो गई। सो टेल अस अबाउट योर यूनिवर्सिटी लाइफ, अभी ऑफ द कैमरा भी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि जब यूनिवर्सिटी स्कूल में जब आप वीडियोस बना रहे हैं और चीज़ें अब वायरल भी होना शुरू हो गए थे, तो उस दौरान चीज़ें मैनेज करना कितना डिफिकल्ट था पढ़ाई और इसको साथ? यकीन माने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, मतलब पढ़ाई ये मतलब अगर मैं पढ़ने वाला बच्चा था, मैंने पहले भी आपको बताया मतलब ऑफ कैमरा को मुझे किताबी कीड़ा हूँ मैं, तो मुझे स्टडी में इतना मसला नहीं था। सबसे ज़्यादा मसला होता था लोगों को मैनेज करना। अब आपको एक फेम मिल जाता है, अब भाई यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर एंटर हुआ नहीं हो, सेल्फी क्लासरूम तक जाते जाते 20 लोगों को सेल्फी देनी पड़ती थी, मतलब आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद आप क्लास के अंदर बैठे हो, टीचर बाहर बच्चे आपको नए नए सेमेस्टर्स का झांक रहे हैं, और भाई ये कौन बंदा बैठा है ऐसे से देख रहे हैं। टीचर्स ने कहना यार अपने दोस्तों को बोला करो लेक्चर के दौरान ना आए। मैंने कहना है वो मेरे दोस्त नहीं है, वो मेरे फैन है। अच्छा तुम क्या करते हो? सर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो इसमें क्या? मेरे टीचर्स का वो एक रिएक्शन होता है सिंपल, तो इसमें क्या? अच्छा बस एक दिन बिठा दिया, नेक्स्ट डे वही चीज़ सेम हुई। तो फिर एक दिन टीचर को मेरे गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि भाई ये क्या हर कर, तुम ये चीज़ें बनाना छोड़ दो, तुमने तो पूरी यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब किया हुआ है। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार यूनिवर्सिटी का इस चीज़ों से क्या ताल्लुक है, मेरा एक पैशन है एक प्रोफेशन है। बट फिर ये मेरे मतलब लाइफ में मतलब इस नेगेटिव इम्पैक्ट आया इस चीज़ से कि एक टीचर जो थे वो मेरे खिलाफ हो गए। ओके, मतलब उन्होंने आपको मैंने बताया कि जैसे कि उन्होंने मुझे रोज़ आते थे मतलब जलील करते थे एक ही बात पे। तो जारी पता आप एक इंसान हो, एक दिन बर्दाश्त करोगे, दो दिन करोगे, तीन दिन करोगे, चार दिन करोगे, एक वक्त आएगा फूटोगे। जैसे ही तो उन्होंने एक दिन बोला कि यार इससे तुम कितना को कमा लेते हो, तो मैंने उनको बोल दिया, गुस्से में था मैं अभी, मैंने बोला कि सर जितना आप पूरा एक साल में कमाते हैं मैं एक मंथ में कमाता हूं। मुंह पे वैसे मतलब सर ने तब तो सिट डाउन कर दिया, उसके बाद सर ने मुझे डिग्री नहीं लेने दी। यकीन माने चार सेमेस्टर उस बंदे ने मुझे सेम सब्जेक्ट में फेल किया। तो पर्सनल हो गया वो आपके साथ? बिल्कुल पर्सनल हो गया, उसने मेरे से ग्रजेस रखे, ये चीज़ें रखी बहुत ज़्यादा। और उन दिनों में मैं डिप्रेशन में भी चला गया, क्योंकि सारी बात आप इतनी मेहनत करके आपकी हर, अगर आप मेरी ट्रांसक्रिप्ट देखें तो मेरा हर सब्जेक्ट में ए प्लस है, ए ग्रेड ए, ए ग्रेड ए, और सिर्फ एक सब्जेक्ट में जिसमें मुझे FF मिल रहा है। और मेरी लाइफ में शायद वो पहला सब्जेक्ट है जब मैं पहली दफ़ा फेल हुआ किसी सब्जेक्ट में, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में हार हो गई है। फिर उस वक्त में वो आपको पता है कि जी भी वो थॉट्स आते हैं, एक तो आप हॉस्टल में रह रहे होते हो अकेले, ऊपर से आपको ये यूनिवर्सिटी वाला काम नहीं, ऊपर से डर भी ये था कि अब्बा जी ने क्या बोला था, तेरा यूट्यूब तो छजा आ रहा है, लेकिन जो अब्बा जी का ड्रीम था वो फिर नहीं पूरा हो रहा। ऐसे ही तो वो डर ऐसा था कि मुझे लगा कि यार हाँ मुझे नहीं, मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे ये कर लेना इस हद तक। मतलब फिर मैंने अकेले बैठ के रोना करना, किसी को बता रहा ना, बहुत टफ टाइम चल रहा था मेरा वो वाला। और उसी दौरान फिर मैंने अपने फ्रेंड से शेयर करना शुरू किया, बट वो लिटरली आपको बता रहा स्टार्टिंग में सब हंसते थे, लो जी अब इसका डिप्रेशन स्टार्ट हो गया, अब ये रोएगा, अभी ये हंसेगा, अभी ये वो करेगा, यार तेरी क्या स्टोरीज ख़त्म नहीं होती, सबके साथ होता है, तो तेरा ये मसला है। लेकिन इस चीज़ को आपको पता पाकिस्तान में कोई सीरियस नहीं लेता, पाकिस्तान में अभी तक जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ कि एक असल चीज़ डिप्रेशन है, डिप्रेशन है। और जब मैंने आकर अपनी फैमिली को बताया कि मुझे ये चीज़ होती है, वो कहते हैं सिर्फ जहनी ख्याल नहीं, ऐसा डिप्रेशन की होता है सानू नहीं पता। फिर ऐसे ही मेरे फेसबुक पर एक फैन थे, वो न्यूरोलॉजिस्ट थे डॉक्टर गोल्ड लाहौर के, तो उन्होंने एक दिन मेरे स्टेटस से मुझे मतलब स्टेटस देख देख के ना उनको आइडिया हो गया कि मैं शायद डिप्रेशन में हूँ। तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि यार मैं गुजरा वाला में ना संडे वाले दिन बैठता, तो अब मेरे पास आओ। और जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, मैंने जब उनको खोल के हर चीज़ बताई तो उन्होंने बोला कि यार देखो मैं तुम्हारा लिटरली दिल से फैन हूँ, ना मुझे तुमसे कोई फी चाहिए ना कुछ और, तुम हमें एंटरटेन करते हो मैं तुम्हारा इलाज करूंगा ताकि तुम हमें एंटरटेन करते रहो। क्या बात है, तो वो एक मेरे लिए बहुत मतलब उनका, मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ उनका नाम जरूर लेता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है उनका कि उन्होंने मुझे चेंज किया, उन्होंने मुझे मेडिसिन देना स्टार्ट की, फिर उन्होंने मेरे फ्रेंड्स से मीटिंग की और बोला कि यार अभी देखो आपका दोस्त इस मेंटल स्टेट में है, इसको मजाक के वे में ना लो, तो अगर वो जो कहता है उसकी हर चीज को सीरियस समझो। आई रियली वांट यू टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज ये जो बाकी लोग देख रहे होंगे उनके लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज आया है। और ये ऐसी है कि मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि यार अगर आपके पास इर्द गिर्द कोई बंदा बहुत ज्यादा इमोशनली है, बहुत ज्यादा जज्बाती हरकतें कर रहा है, अगर वो ओवर थिंकिंग करता है या कुछ भी ऐसा है, तो गाइस उसकी सिर्फ थोड़ी देर के लिए बात सुन लो। वो आपसे ये नहीं चाह रहा कि आप उसको चांद तारे तोड़ के ला दो या वो कर दो, वो सिर्फ आपसे थोड़ी देर के लिए इंटेंशन चाह रहा है, वो इंटेंशन दे दो, यकीन मानो आपकी थोड़ी सी इंटेंशन उसको चेंज कर देगी, उसकी बीमारी को कम कर देगी।
ये आजकल के जमाने में चीज बहुत सीरियस है। हम लोग इसको अक्सर मजाक में भी ले लेते हैं, या अगर कोई पता भी होगी दोस्त डिप्रेशन में है तो कहते हैं चल यार कोई नहीं ठीक हो जाएगा, बट इसका एक प्रॉपर वे है थ्रू अ साइकोलॉजिस्ट, थ्रू अ फ्रेंड, तो इसको आप जाएं और इस चीज को सॉल्व करें, बिकॉज अगर इस चीज को सॉल्व नहीं करेंगे तो बढ़ते बढ़ते वो बढ़ते बढ़ते। और लिटरली ऐसा था मेरा, जब मैं अकेले, मैं आपको बताया जब मैं हॉस्टल होता था, चीजें मैनेज नहीं थी हो रही और वहां से डिग्री का प्रेशर पड़ी जा रहा था और इधर से मेरा चैनल तो अच्छा जा ही रहा था, अगर एक तरफ खुशी रहा दूसरी तरफ वो भी डर था कि यार फैमिली को क्या जवाब दूंगा। तो उस वक्त मैं अकेले रह रहा कि मैंने सबसे ज्यादा अपने साथ ज्यादा ये किया कि आपको यार ऐसी चीज में अकेला नहीं रहना चाहिए, प्लीज आप ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाओ जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज है, जिसको आप जानते हो, आपको पता है कि यार ये आपको समझेगा। क्योंकि जब मैं खेला रहा फिर मैं मतलब मेडिसिन लेना शुरू कर दी नींद की खुद से ही, आपको पता है एक तो हमारे माशाल्लाह गूगल डॉक्टर सबसे पहले, हमें कोई भी मसला होता है हम गूगल पे जाते हैं, वहां पर ट्राइप करते हैं और वो सबसे वर्स्ट चीज, सबसे वर्स्ट चीज वही है। अब उसने मुझे मेडिसिन देना शुरू कर दी कि आप नींद की, अब मैंने नींद की ऐसी ऐसी मेडिसिन खा ली जिसकी वजह से मुझे नींद, खाक भी नहीं थी आना मतलब बंद होगी, वो एक नेचुरल सिस्टम है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। फिर उससे ये चीज हो गया कि हमारे माइंड के अंदर एक केमिकल होता है जो कि आपके थिंकिंग लेवल को कंट्रोल करता है, मेरे वो केमिकल का जो लेवल था वो बिल्कुल कम हो गया वो मेडिसिन ले लेके। अब ये था कि मुझे एंजाइटी अटैक्स होना लग गया, मैं खुद को थप्पड़ मारना, LCD तोड़ देना, कुछ ऐसी चीज़ें करना, लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें कि ये किसी को पता भी नहीं है, अकेले में बैठ गए। फिर ये चीज़ें जब एक दफ़ा एक दो फ्रेंड्स के सामने हुई, लिटरली वो डर गए कि ये क्या है, देन उनको पता लगा कि यार या हाँ डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती है और अगर इसको केयर टेक ना किया जाए, अगर इसको समझा ना जाए तो उसका लेवल ये होता है। बिल्कुल ऐसे। और ये हालांकि अब देखा जाए तो हमारे माशरे में मेरे ख्याल से सबसे जो अव्वल दर्जा वो उस्ताद का होता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से उनको ये चीज़ रियलाइज करनी चाहिए कि जो बच्चा होता है वो अगर आपको लग रहा है बड़ा स्ट्रांग है, ये पता नहीं वो माशाल्लाह बहुत पॉपुलर हो रहा है, इन दी एंड तो वो बच्चा है ना यार, उसकी भी ग्रोइंग स्टेज है और वो चीज़ों से सीख रहा होता है, तो ये अब चले खैर अल्लाह उनकी खैर। लेकिन यकीन माने मुझे फिर भी मेरे अल्लाह ताला पे मतलब मैं बहुत ज़्यादा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस चीज़ से मुझे निकाला है, लोग जल्दी मतलब वो चीज़ नहीं करते कि आप एक दफ़ा रुक जाते हो लाइफ में कि यार हाँ मुझे लग रहा था कि हाँ अब मेरा हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में डॉक्टर गोहर मैं तो उनके कहते हैं वो फिश्ता बन गया है, उन्होंने ऐसा ऐसा मुझे उस चीज़ से निकाला, मेरे दोस्तों से खुद मीटिंग्स की, उनको बताया कि यार इसको ये चीज़ प्रोवाइड करो, इसको ये चीज़ ऐसे करो, अगर ये कुछ कह रहा है इसको ऐसे समझो, तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हुई और मैं उस स्टेज से निकल के आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहा हूँ माशाल्लाह, सबसे जो अच्छी चीज़ है। क्योंकि लोग जब इस चीज़ में जाते हैं तो यहाँ से निकलते नहीं है, क्योंकि इसमें एक और चीज़ मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा इस चीज़ से गुजर रहा है तो निकलना आपने खुद ही है, लोग तो आपको अगर मिल भी जाएगी लेकिन अगर कोशिश नहीं करोगे ना तो फिर आप ऐसे ही रहोगे, लोग सिर्फ हौसला ही दे सकते हैं ना, बिल्कुल ऐसे, लेकिन फिर भी आपको निकलना इससे खुद ही है अपने। लेकिन मेरे डॉक्टर की सबसे अच्छी चीज़ थी कि उसने मेडिसिन नहीं दी, वो मुझे मेडिसिन कम देता था, 20% मेडिसिन, 80% मेरी कह रहा था इनर पावर यूज करो, विल पावर जो आपकी ना कि आप खुद आप अपने माइंड को समझाओ कि नहीं ये चीज अभी आपने ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि कहता अगर मेडिसिन का आदी बना दिया तो खाओगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो बाद में फिर वैसे ही। तो जो आपके एक विल पावर है जो आपके अंदर हर चीज को, वो मैं उसको सिर्फ मेंटेन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने तो मुझे अभी तक मुझे मतलब याद है कि मैं जब कोई भी चीज होता है मैं मैसेज करूँ या ना करूँ हर सब का मैसेज आता है एवरीथिंग ओके, वेरी क्यूट यार, या मतलब आप सब ठीक जा रहा है, वीडियो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चीज़ तो नहीं है, तो वो एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, कोई अपना नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो एक सिर्फ एक फैन हो के मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तो फिर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए ऐसा ऐसा कंटेंट दूं, वो चीज़ें दूं और फिर वो चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विश बेस्ट ऑफ द लक। अच्छा अब ये इसमें एक वो चीज़ जरा हमें वो वाला वाकया भी सुनाया, वो जो सर ने पेपर बड़ा फाड़ने वाला था वो जरा। अब रिसेंटली ये था कि जब उस टीचर के साथ मेरा पंगा हो गया ना तो पहली दफ़ा उसने मुझे फेल कर दिया, सिंपल चलो कोई बात नहीं। सेकेंड टाइम अब मसला ये था कि ऊपर से आपको बताया लॉकडाउन लगा था, 18 में मेरी डिग्री स्टार्ट हुई थी, 22 में खत्म होनी थी, अब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन तो हम घर में पेपर दे रहे हैं। अब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि भाई घर में पेपर दे रहे हैं, ऑनलाइन पेपर देके सब बच्चे चीटिंग करके पेपर दे रहे हैं, सबको पता है कि बच्चों ने ऑनलाइन सिस्टम में क्या किया जी जी। उसके बावजूद सब पास हो रहे, मैं पास नहीं हो रहा, दो तीन दफा फेल होगा। जब ऐसे 2021 में पता यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी, मैंने फिजिकल पेपर देके आया एक दफा, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यार इस दफा तो भाई पूरे मार्क्स आएंगे। अच्छा फुल पेपर करके आया हूँ, मुझे मेरे सर की कॉल आती है, मैंने पता नहीं कि उस वाले सर का नंबर है, कॉल उठाई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, पहचान गई मैं कि जी जी सर, मैं खुश हो गया, मैं कह सर ने कोई बात कहनी हो या कोई भी, तो एक ऐसे ना पीछे से पेपर फटने की आवाज़, बेटा फटने की आवाज़ आ रही है, मैं बिल्कुल सीरियसली शॉक्ड। क्या मतलब सर ने मेरा वो जो आंसर शीट थी, सर कहते मैंने बेटा फाड़ दिया, जाओ जिसको बताना है जो करना करो आप, ये ऑन कॉल कह रहा है, ऑन कॉल मुझे कह रहा है, एंड आई वाज लाइक बस कि मैं इसको बोलूं क्या, मैं कहा सर सॉरी प्लीज आप मेरा ये चीज ना करें, बेटा मैं तुझे बताऊंगा,
तू मुझे सिर्फ इस डिग्री में पास होकर दिखा, डिग्री लेके दिखा। इतना पर्सनल क्या हो गया था? इतना सिर्फ उसने उस बात को एक ईगो ईगो का मसला बना लिया था कि वो चीज़ इस तरह क्यों है। और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन खैर मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपने डॉक्टर को बताया कि यार उसने ये हरकत की। उसने बोला इट्स ओके, लीव इट, दिमाग को प्रेशर ना लो। उसने मुझे बोला कि अब ये मेडिसिन लो थोड़ी देर के लिए, ज़रा रिलैक्स हो जाओ, ये चीज़ें कर लो। खैर उसने मुझे बोला कि यार एक चांस अभी तुम्हारे पास ओवर है। अब वो मेरे पास था लास्ट चांस। अब तीन साल, अब मेरी यूनिवर्सिटी का एक सब्जेक्ट मतलब रूल है कि एक सब्जेक्ट को एक टीचर 3 साल तक पढ़ा सकता है कंटिन्यूस। उसके बाद फिर एक नई टीचर आई। अब मैं नहीं था जानता कि उसकी सिस्टर है। ये तो पूरा खानदान आ गया आपके खिलाफ बिल्कुल। और जब मैंने वो भी पेपर दिया तो मैं लिटरली उसमें भी फेल। फिर वो मेरे लिए एक सबसे शॉकिंग था कि यार एक बंदे ने सिर्फ अपने पर्सनल ग्रजेस की वजह से मेरा पूरा यूनिवर्सिटी कैरियर जो है वो तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और उस दौरान वीडियोस भी बन रही थी, वीडियोस भी बन रही थी। और ये बहुत टफ सिचुएशन है कि एक क्रिएटिव बंदा जो कि काम कर रहा हो और बैकग्राउंड पे ये चल रहा हो, तो उसके लिए तो काम करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। मैं आपको बताता रहा हूँ कि मेरे लिए इधर से जारी बात है टीम को भी, अब जारी बात है मैं अकेला अगर काम करता हूँ ना तो बंदा रुक जाता है, लेकिन मुझे काम करना पड़ता था क्योंकि पीछे मेरी टीम एक्टिव है। लेकिन मैं जब उनकी मेहनत देखता था मैं कहता था यार मेरी वजह से इनकी मेहनत जाया ना जाए, वो अपना 100% दे रहा है तो मुझे यहाँ पर देना है। तो मेरे लिए इतना टफ हो जाता था कि मतलब आप समझे मैं एक फेक इंसान बन के रहता था। मतलब जब इनके सामने आता था आई एम हैप्पी कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, आई एम ओके, लेकिन अंदर से फुल टूटा हुआ कि कुछ समझ नहीं आ रहा। इनको भी पता लग जाता था, जब जारी बात एक्टिंग कर रहे होते ना, जब आपका माइंड एक जगह नहीं होता तो आप वो चीज़ ये मुझे कहते थे यार वो फील नहीं आ रही, या तो 100% नहीं दे सकते। जारी बात आप उसमें 100% ही नहीं हो तो चीज़ निकलेगी कैसे? तो फिर वो रीटेक्स करने, वो चीज़ें करनी। हालांकि अब आपकी वीडियोस वो देखे हैं वो उस जमाने की भी, तो हम तो गैस ही नहीं कर सकते कि आप उसमें किस फेज में थे इस वक्त। लेकिन जैसे ही मैंने वापस अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जाना होता था और उसमें जाकर फिर वही टेंशन थी कि यार मैं क्लास में जाकर वही चीज़ें फेस करूंगा। हाँ लेकिन लास्ट ईयर में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मेरे लिए लकली बहुत अच्छी थी कि मेरी ही यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे एज अ स्पीकर गेस्ट बुलाया गया, माशाल्लाह वेरी नाइस। और वो कैफेटेरिया की वॉल्स पे वो फोटोज और पूरी वो टीम आई और फिर वो सेमिनार हॉल के अंदर जाके जब मैंने पूरा मेरे साथ मुजम्मिल हसन, शायद आपको पता हो, बिल्कुल बिल्कुल वो मेरे साथ को गेस्ट थे मेरे। हाँ जी, हाँ जी। और हम दोनों मतलब एज अ स्पीकर गेस्ट गए थे कॉन्सर्ट अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर में। वो एक प्राउड मोमेंट फील और मेरे लिए वो मतलब वाकई एक प्राउड मोमेंट था। लेकिन वो शायद वो टीचर ने भी देखा हो तो उसको पता हो कि शायद मैं वाकई कुछ हूँ माशाल्लाह और मैंने लाइफ में कुछ किया है। वेरी नाइस। तो वो मुझे एक चीज़ की अच्छी है। लेकिन मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे ऐसा पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप मतलब आपको पता है आजकल जो यूनिवर्सिटी के अंदर ये रोज बन गया हुआ ना, अभी शायद लोगों को नहीं पता ऑन कैमरा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में आपको पता कितने सुसाइड्स होते हैं, ये चीज़ें कभी कभी बाहर नहीं आई ऑन मीडिया इतनी है, सोशल मीडिया पे फिर एक आधी रिपोर्ट हो जाती है, कभी बाहर नहीं आई। अब जब मेरी डिग्री चाह रही थी और ऐसी एक और टीचर थे वो भी गोल्ड मेडलिस्ट थे और मेरी मेरे सामने एक बंदे ने 3rd फ्लोर से सुसाइड किया। उसके साथ ये प्रॉब्लम था कि एक ही सब्जेक्ट था उसको टीचर ने पास नहीं किया। तो वो चीज़ आप ये मतलब सोच नहीं सकते कि मैं 4-5 दिन सोया नहीं हूँ जब मैंने देखा कि एक बंदा नीचे मेरे सामने गिरा है और उसकी ऑन द स्पॉट वो बंदा डेथ हो गई उसकी। एंड समझ नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ में कर क्या रहे हैं, टीचर्स खुद को समझते क्या हैं। अगर हम बात करें तो अभी शायद आप में से हर बंदा अगर जो यूनिवर्सिटी लेवल तक गया है तो उसने एक चीज़ फेस की होगी, टीचर्स की जो टाइप्स आती हैं बड़ी बड़ी अजीब होती हैं। अब हमारे क्लास में टीचर आता था आके बेटा आप यूट्यूब खोल लो, आप नोट्स पकड़ लो, ओपन बुक पेपर दूंगा, सॉल्व करके दिखाओ। अब प्रूव क्या करना चाहते हो बच्चों को? हम आपके पास सीखने आए हैं, हमें सिखाओ, आप हमें क्या सिखा रहे हो? तो ये मेरा एक मतलब गिलक है जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो कर क्या रहे हैं। अच्छा आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान के एजुकेशन का मसला है कि ओवरऑल है मसला है? नहीं नहीं, ऑल ओवर मसला नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में ही ऑल ओवर। तो आपको मतलब वो चीज़ों को अगर वो आपको ओपन बुक चीजें देते हैं लेकिन वो आपको पढ़ाते भी इस तरह से, बल्कि वो तो टाइम के साथ साथ जो है ना इवॉल्व हो रहे हैं और डिफरेंट टेक्निक्स उस तरह के जा रहे हैं, उनको छोटी छोटी ब्लॉक्स वगैरह देते हैं, उनका ब्रेन खोलते हैं। हमारे तो किताबी कीड़ा वही चीज़ें चल रही हैं, उस तरह ही चल रहा है, वही प्रोफेसर आएगा चाय का कप पकड़ के, वो वाला सिस्टम। मतलब अभी अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ऐसे अभी तक मेरे क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं जो MIT से कॉपीड है। MIT दुनिया मतलब वर्ल्ड की सबसे बेस्ट साइंसेज यूनिवर्सिटी है, टीचर्स वहाँ के पेपर उठाकर बच्चों को यहाँ पे दे रहे हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या हमें पढ़ाया MIT जैसा जा रहा है? तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में खराबी है कि बंदा खुद को प्रूव करने के चक्कर में स्टूडेंट्स के जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे आप पाकिस्तान से जिस बंदे ने PhD किया है उस बंदे को नॉलेज भी नहीं है सब्जेक्ट के बारे में। मैं आपको कई ऐसे टीचर्स के बारे में बता देता हूँ मतलब जिनसे मैं पढ़ाऊँ, वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे उनको नॉलेज ही नहीं उसके बारे में, वो सिर्फ आकर बच्चों पर टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
और आपको भी पता है कि हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस कितनी है। बिल्कुल एक नॉर्मल जो एक मतलब देसी घर का बंदा है, जो मीडियम मिडिल क्लास बंदा है, उसके लिए वो 4 साल की जो फीस देना और हर चीज़ करना, प्रोजेक्ट्स ये वो, कितना मुश्किल होता है। बहुत बहुत ज़्यादा। और जब उसके बाद उनको जॉब नहीं मिलती वो बंदे, अब ऐसी ही बात है, हम तो मतलब अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कर रहा हूँ बहुत हैप्पी हूँ, आई एम वेरी हैप्पी का ठीक है यार मेरे पास ये जॉब है। लेकिन मैं अगर अपने क्लास वालों की बात करूँ, कोई 25,000 पे लगा है आज के दौर में, 25,000 क्या कर और इतना पैसा खर्च करके। हाँ जी, इतना पैसा खर्च करके जो है ये इस तरह की छोटी मोटी, आपने 20-22 लाख एक डिग्री पे लगाया है सिर्फ 25,000 कमाने के लिए। तो मसला यहाँ पे नहीं, मसला अंदर ही है। मेरा तो एक और मतलब मैं समटाइम बात करता हूँ कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग नहीं है, यहाँ पे ये वाली इंजीनियरिंग नहीं है, तो आप वो डिग्रीज करवाई क्यों रहे हो? यहाँ बच्चों को वो चीज़ करवा देना जिसमें पाकिस्तान का स्कोप है, जिन फील्ड में मतलब चीज़ें हैं। अब बच्चों को सिर्फ पैसा कमाने के लिए डिग्रीज भी वो करवा रहे हो, उसके बाद उनको जॉब्स नहीं मिल रही, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई ये चीज़ कर रहा है, इसलिए तो चीज़ें होंगी। और अभी पता नहीं कितनी ऐसी स्टोरीज होंगी, इसमें से वन स्टोरी है जिसमें इंस्पायरल या सर्वाइव कर गए आप, ऐसी स्टोरीज हैं लड़के सर्वाइव ही नहीं कर रहे, पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे पास तो मतलब मैंने आपको बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, हमने तो देखा है कि बच्चे किस स्टेज से गुजरते हैं, सिर्फ एक मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी कितने लोग हैं जो बेचारे स्टेज से गुजर रहे हैं घर से, मतलब उनके सबके ड्रीम बड़े होते हैं ना कि मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी जाऊँ, मैं एक अच्छा इंसान बनूँ, बड़ा इंसान बनूँ। लेकिन ये बड़ी यूनिवर्सिटीज में बड़ा इंसान नहीं बनने देते। और मैंने एक चीज़ लाइफ में सीखी अपने कि यार किताबें वगैरह नहीं, आपकी स्किल आपके काम आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर यूनिवर्सिटी में गए तो आप अपनी स्किल को जरूर पॉलिश करो। जब मैं गया था तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपनी स्किल को पॉलिश नहीं करता तो शायद आज मैं भी एक जगह पढ़ा होता कि डिग्री भी नहीं हुई और शायद ये काम भी ना कर पाता। ये मेरी स्किल थी, मैंने उसे पॉलिश किया, मैं अपनी वो जो अपना पैशन था, अपनी स्किल थी, उसको साथ रखा है। अगर ये मैं ना करता तो शायद मैं भी आज दूसरे बच्चों जैसा होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सो टेल अस अबाउट योर अर्ली स्टेजेस ऑफ दिस वीडियोस। अभी आप मुझे बता भी रहे थे कि वो स्टार्ट हुआ और वो वाली स्ट्रगल, टेल अस अबाउट था। फिर ये है कि जब हम लोगों का जब ये सारा सिस्टम हो गया, अब ये लॉकडाउन की बात आपको बता रहा था कि लॉकडाउन में हमें जब फेम मिला और कहते हैं कि पहली वीडियो कौन सी वायरल हुई आपकी? देसी मोम वाली। अच्छा, एक वीडियो थी जिसके अंदर हम लोगों ने दिखाया था कि देसी मोमेंट इन लॉकडाउन। अच्छा अच्छा, पहली वीडियो ये थी जो हमारी वायरल हुई लॉकडाउन के अमिया क्या मतलब कोई भी चीज। आपको पता हम घर आ गए थे तो अब घर में आ गए, अब जारी बात है बाहर आप निकल नहीं सकते, तो अब घर के अंदर ही हो तो अम्मी पास्ता बना दो, अम्मी ये कर दो, अम्मी कहने दी टुट पैने मर जाने, तू तो यूनिवर्सिटी चंगा है, तू तो घर आ गया, मैंने तो मुसीबत पा दी थी, तू ऐसे कर देता है। वो मेरे टॉन्ट मिलना शुरू हो गए। मैंने कहा यार ये मजे की चीजें हैं, अब जारी बात है बनाना क्या, यही दिखाओ कि हमें क्या पबजी खेल रहे हैं तब डांट पड़ रही है। फिर हम कहते थे भाई अगर हम घर नहीं खेलेंगे, घर ये चीज़ नहीं करेंगे तो बाहर तो वैसे नहीं जाने दे रहे, तो हम करें क्या? तो वो जब वीडियो डाली तो वो वीडियो वायरल हो गई। तो मुझे अभी तक याद है कि मैं जब ये चीज़ें लिख रहा होता तो मेरी ना ड्रीम बुक है ना उस पर लिखता था, तो वहाँ पे मैंने लिखा होता 2020 में ना हमारे 10K सब्सक्राइबर होंगे। वो पता हर बंदे का एक होता है जी जी। लेकिन वो कहते हैं कि जब आप दिल से मेहनत करते हो, क्योंकि मेरे पीछे इतनी स्ट्रगल थी कि मैं रोज़ आता था व्यूज़ आ रहे या नहीं आ रहे, तो 2020 में जिस दिन मैंने लिखा था कि मेरे 10K सब्सक्राइबर होंगे उस दिन सिल्वर बटन मेरे हाथ में था। ओह माशाल्लाह यार, वेरी नाइस। और यहाँ से एक चीज आपको और पता लगती है कि वाकई अल्लाह ताला इंसान को कहता है कि जब तुम दिल से मेहनत करो मैं तुम्हारी 100 से 10 गुना तुम्हें ज्यादा दूंगा। तो उस दिन वो बात का मुझे यकीन हो गया कि यस, जब आप दिल से मेहनत करते हो, पेशेंस रखते हो, सबसे मेन चीज है पेशेंस, सब्र। आप जब कोई भी, सिर्फ यही नहीं कि आप इस फील्ड में हो, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पेशेंस आपके अंदर सबसे मेन चीज है, वो होना चाहिए। अप्स एंड डाउन तो आप स्कार लगे रहेंगे, लेकिन जब अप्स आएंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कहाँ से नवाजा जाएगा। तो मेरे लिए वो एक मेरे लिए मतलब सबसे बड़ी चीज़ थी कि यार 100K सब्सक्राइबर, मैंने तो 10K सोचे थे, वो एक बटन का आना, वो एक वो आपको पता है ये खुशियाँ क्या होती है, होती है ऐसे, ऐसे। मतलब मेरे लिए ऐसा लगता था मैंने दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड जीत लिया। माशाल्लाह यार। और उसके बाद फिर जैसे ही वो चीज़ आई उस वक्त फैमिली वाले ओके हो गए, हैप्पी हैप्पी हो गए, तब अभी नॉर्मल था अप एंड डाउन। अभी मतलब मैंने कभी ये बताया नहीं है लेकिन ये चीज़ सच्ची है कि जब मैं ये काम करता था मुझे घर से मार पड़ती थी। वाई ये चीज़ क्यों कर रहे हो? वीडियो करने जाने के लिए मार पड़ती थी फैमिली से, कि जिस दिन जाना था मैं घर से मार खा के जाता था और रोया होता था, लेकिन उनके सामने जाके हैप्पी हूँ, कुछ भी नहीं हुआ यार मैं तो ये मौके, लेकिन काम करता था। लेकिन एक वक्त आया कि बाद में फैमिली आज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आज मतलब मेरे सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने वाले मेरे पेरेंट्स हैं, और मेरे ख्याल से जब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हो ना तो दुनिया में आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा बता, क्या पेरेंट्स की बात करें जाए ना, किस आपने उस समय बात की है, हर माँ बाप अपनी औलाद का अच्छा ही सोचते हैं। बिल्कुल। अब हो सकता है उनकी ये थिंकिंग हो कि ये वीडियोस कर रहा है क्या करेगा आगे जाके, हम चाहते हैं इसमें पढ़े फिजिक्स में, आप माशाल्लाह आप अच्छे भी हो, मुझे तो ये नहीं पता जो आपने टर्मिनोलॉजी बोली है, आप तो बहुत अच्छे हो,
तो उन्होंने सोच ही सोचा होगा ना यार किधर जाइए क्या काम कर रहा, तो, लेकिन वो अल्लाह ने जो नसीब में लिखा नहीं, ऐसे ही है। वो तो मेरे बाबा भी अब ये चीज कहते हैं कि देखो यार तेरे अंदर वो शुरू से चीज थी, तो वो चीज तुझे मिल गई आज। मैं हमने तुम्हें कितना रोका, तुम्हें मारा भी हर चीज की, लेकिन जारी बात है ये सबसे अच्छी चीज है ना कि आपकी फैमिली जब आपको अंडरस्टैंड कर जाए। यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि कई लोगों की जब ये काम स्टार्ट करते हैं फैमिली से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही होती, वो एक जो प्रेशर आता है, अब हमें प्रेशर कोई भी नहीं है, अब तो खुल ही जा जाता है। तो इवन के दूसरे भाई तो स्टार बॉयज है, अब तो वो दूसरे भाई है ना, वो कहते हाँ ये 10 बजे वाला रूल मेरे लिए ही है। अच्छा, वो 3 बजे घर आ रहा है कोई मसला नहीं है। अच्छा, दिन को बाहर जाता है, रात को इधर जा रहा है, लाहौर जा रहा है, इस्लामाबाद जा रहा है, कराची जा रहा है, दुबई जा रहा है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लेकिन बस वही चीजें हैं, लेकिन मेहनत की है, लेकिन हर चीज को बदला है अपने तरीके से। पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते, मैं ये चीज कभी नहीं कहूंगा, सारी बात अपनी औलाद का बिल्कुल अच्छा सोच रहे होते हैं, लेकिन हाँ उनकी कुछ शक्तियों का फायदा ये हुआ कि आज अगर हम अपने जैसे बॉयज को देखते हैं दूसरे, वो लाइफ में आपको पता है लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे आके क्या क्या करते होते हैं और क्या क्या सिस्टम कर रहे हैं, लेकिन वो हम जो शक्ति हम पे हुई है ना, उसका फायदा ये हुआ कि हम लोग बहुत चीजों से बच गए हैं। तो बेसिकली कोयले की खान में से वो हीरा निकला है। बिल्कुल, वो बहुत, अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर होता था तो बड़े लोग वहाँ पे आके आपको पता है हॉस्टल्स में क्या करते थे ये चीजें, लेकिन वो शुरू से ना एक डर होता था यार अगर अब्बा जी को पता लग गया, घर में पता लग गया तो बहुत मार पिटेगी, नहीं ये चीजें नहीं करनी हमें, जो हाँ ये कर लो ये कर लो, तो आपको जो कोई तरबियत होती है ना वो आपको बहुत ज्यादा ऊपर ले जाती है। अच्छा, जो जब अर्ली स्टेजेस में व्हेन यू वर मेकिंग वीडियोस एंड एवरीथिंग, और उस वक्त तो सारी बातें पैसे नहीं आ रहे होते थे। बिल्कुल, और पैसा सबसे बड़ी मोटिवेशन। बिल्कुल, और पैसे ना आ रहे हो और आप काम क्रिएटिव ही अपने पसंद से भी कर रहे हो ना, तो बंदा बड़ा बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही है, तो उस वक्त पैसे नहीं आ रहे और वीडियोस बना रहे हैं, तो वो सिचुएशन क्या थी? लेकिन एक बार आपको पता है ना कि वीडियो को मुझे शौक भी था, मुझे एक्टिंग करनी है, तो मुझे लगता है कि ये लाइफ में एक प्लस पॉइंट था कि जब पैसे तो आ नहीं थे रहे, लेकिन जब पता लगा ना कि इससे पैसे बनते हैं, यकीन माने पहले पैसे कमाने वाला कोई रहता नहीं था। अच्छा, जब स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में ये नहीं था कि पैसा कमाने के लिए करना, शौक था कि मुझे एक्टर बनना है और मुझे वो चीज करके दिखानी है, मेरे पास सिर्फ यूट्यूब और ये बटन, पैसे वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन जब पैसा आना स्टार्ट हुआ ना तो अच्छा लगता था। और यकीन माने अगर पहली दफा मतलब एक गाना आपको तो 10-20 हज़ार भी है ना, तो मैं इतने में खुश हुई मुझे 10,000 आया है, मैं इतने में भी हैप्पी था, लेकिन उसके बाद पता नहीं लगा कि यार हाँ इस चीज में कितना पैसा और क्या चीजें हैं, आप कितना आगे जाते हो। तो अर्ली स्टेजेस में तो पहले वो शौक था, पैशन था, तो वो पैशन काम करवाता रहा, फिर जब आगे आपको पैसा मिलता रहा तो फिर वो मुझे ये बताएं, आप लोग पर्टिकुलरली आप लोग सारे बहुत पॉपुलर हैं, दूसरे बॉयज भी डब्ल्यू टीवी लिए बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन खास तौर पे जो लोग फैन होते हैं ना, ऐसा समी है ना, अब समी से मैं भी मिला, मुझे आइडिया है कि समी सीरियस पर्सन, उससे हम जरा टेक्निकल बातें करेंगे। अब आप और आरजे हमजा जो है ये आप लोग जो ज्यादातर रोज करते हैं वो करते हैं खवातीन बहन के, तो पहले मुझे बताया कि जब ये रोज घर में करने शुरू किए तो घर वालों ने कहा नहीं ये है कि कर रहे हैं तो खवातीन बन रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको बताऊंगा लोग तो आपको ऐसा ऐसा क्रिटिसाइज करते हैं कि आपको सोच ही नहीं है। मुझे तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जैसे मैंने एक चीज की तो दुपट्टा लिया पहले, तो खानदान में से पता नहीं कौन लोग उठ के आ गए, पेरेंट्स को कोई मसला नहीं हो रहा, ये खानदान में जो आपको पता है कुछ लोग होते हैं बिल्कुल लो जी हुने कसर है कि तुहाड़ा मुंडा हुण टीवीआं उत्ते आ के दुपट्टे लै रहा है, मतलब हाँ ये चीज कर रहा है तो कंजर बन रहा है, मतलब होर कोई जस्ट एडिंग दिस पॉइंट, मैं गार्डन नहीं जा रहा आपको क्योंकि ये दो दफा आपने भी रिपीट किया और बाकी लोग भी कर रहे होते हैं रिपीट, गाने हमने सुनने हैं इंडियन, डांस करना है हमने इंडियन, कपड़े पहनने हमने बॉलीवुड के हॉलीवुड के सीन्स वही देखने, फिल्में वो देखनी है, अकेले में देखनी है या फैमिली से देखनी है वहां देखनी, लेकिन इन द एंड कंजर, तो ये जो डबल माइंडसेट है ना हम लोग, शादियां बड़ी बड़ी कहां से देखते हैं, इंडियन मूवीज, बिल्कुल सब कुछ उस तरह लाइफस्टाइल उस तरह, घरों बेडरूम उस तरह डिजाइन, घर उस तरह डिजाइन, लेकिन इन द एंड जो कोई बंदा काम इन द एंड फॉलो भी आपको करना है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो वर्डिंग क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते, तो ये एक फैक्टर है। कमिंग बैक टू स्टार्टिंग में मतलब ये चीजें होती थी, तो मुझे एक बार मम्मी पापा ने बोला कि यार तुम ये दुपट्टा वगैरह लेके क्यों वीडियो बनाते हो, तो मैंने बोला इट्स जस्ट अ करैक्टर, एक एक्टर है ना तो एक्टर के लिए कुछ भी करना होता है, तो आप उसको मेरी वो सीरियस लाइफ में थोड़ी है मैं कौन सा आइटम लिपस्टिक और दुपट्टा लगा के फिरता रहता हूँ, वो तो सिर्फ वीडियो क्या था कि घर में आप लोगों के सामने नॉर्मल बात करता हूँ, ना मेरे कोई ऐसे मूवमेंट्स है ना मेरी कोई ऐसी चीजें जिससे आपको ऐसा लगे, तो उन्होंने बोला इट्स ओके ठीक है अगर तुम्हें बेटर लग रहा तुम कर लो, तो स्टार्टिंग में तो हर डिसीजन, लेकिन उसके बाद तो भाई हर बंदा
तुम कमाल के हो यार, मतलब तेरी एक्टिंग सबसे अच्छी है पूरे खानदान में। अब वही लोग जो कल को बातें करते थे आज अपने बच्चों को लेकर सबसे पहले सेल्फी बनवाने वही आते हैं। उनके खानदान में कोई शादी होती है, अब सीरियस बात कर रहा हूँ, खानदान में शादी, घर में कार्ड सेपरेट आता है मेरा। ओए होए होए, मेरे पास ऐसे कार्ड्स पड़े हैं कि वो अली हैदर फरूख सेपरेट। यार तुमने बेशक एक दिन आना, आना जरूर है। ओए होए प्रोटोकॉल। फिर ये चीज और बाकी ऐसा होता है, फिर आप अगर मामा फिर पेरेंट्स कहते बेटा आया है अच्छा नहीं लगता, एक दिन चले जाओ, आप एक दिन चले जाओ, फिर आप देखो आपकी लाइफ होती क्या है। आपको हाय ये सबसे मिलवाएंगे, आपको फुल प्रोटोकॉल, फ्रंट टेबल पे बिठाना, स्टेज के ऊपर खाना आपके पास आ रहा है, हर चीज आपके पास आ रही है, बट यू स्टिल बीइंग नाइस टू देम। आप रूड नहीं हो रहे, आप जाते नहीं, जारी बात है ऑब्वियसली। फिर पेरेंट्स से एक चीज है कि आप जितना मर्जी स्टार बन रहे हो कुछ भी कर लो, फिर एक चीज होती है जो पेरेंट्स आपको बोलते हैं, तो उसके खिलाफ तो नहीं ऑब्वियसली फिर होनी चाहिए ना, वो आपको वो अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं कि हर इंसान वो कामयाब, मेरी नजर में तो वो इंसान कामयाब है जिसको पता है कि यार मैं जीरो में क्या था और हीरो में क्या हूँ। अपना जीरो ना भूले कि मैं कहाँ से उठा था, क्योंकि जो बंदा वो भूल जाता है ना वो वापस फिर वहीं पे आ जाता है। अच्छा आप जब व्हेन यू वॉक ऑन द स्ट्रीट, सड़क जा रहे हैं, मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो लोग आते हैं तो अली हैदर के नाम से बुला रहे होते हैं या कोई और नाम की? देखिए अब कुछ डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, कुछ लोग तो मतलब नाम से तो कोई भी नहीं बुलाता। ओके कुछ कुछ अय अम्मी नी अम्मी नी बाजी तेरे बट्टा किथे वे, थोड़ा सा ना कभी कभी बुरा लगता है यार तरीका क्या है। लेकिन कुछ लोग बड़े नाइस होते हैं, अस्सलाम वालेकुम यार आपकी वो वीडियो देखिए, आप दुपट्टा लेते हो ना कसम, एक दफा बोल के दिखा दो, ये चीज करके दिखा दो, वो तो मेरे अच्छा भी लगता है अंदर से। लेकिन अच्छा लगता है यार आपको आपके करेक्टर से जाना जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे एक दफा ऐसे में अपनी फैमिली के साथ था, तो जब मुझे पीछे से ऐसी आवाजें लोगों ने कसी मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बट मेरे फादर मेरे साथ थे तो उन्होंने एक चीज बोली कि बेटा खुद तो कहते हो ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारी एक्टिंग है ना, तो तुम इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हो, तो कोई बात नहीं तुम्हें करेक्टर से बुला रहा हूं, तो वो चीज़ ओके है। तो मुझे जिंदगी में मैं सबको बताता हूँ, मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे स्पेशली फादर ने मुझे इस पूरी जर्नी में ना बहुत सपोर्ट किया। मुझे अभी तक याद है कि उनकी कॉल्स आती थी और मुझे ना वो एक ही बात बार बार कहते थे कि बेटा पैसा आ रहा है, पैसे ने कुछ समझी ना, चुकिया रही, तो वो रोज ही ना एक ही बात, जब भी वो बात होनी तो एक दिन मैं गुस्सा चढ़ गया, मैंने कहा मैं बच्चा थोड़ी हूँ, आप रोज़ ही एक ही बात करते हो कि क्यों, मुझे अब समझ आया कि वो क्यों कहते थे चीज़ों को, कि ये चीज़ें बगती हैं, आप ये चीजें कह रहे हो ये आपके पास है, अपना ये ना हो कि तेरे पास वो चीज आए तो मैं एटीट्यूड आ जाए, तुम अपने रिश्तेदारों से मुंह बना, मतलब वही तो आता ना एटीट्यूड शुरू हो गया कि भाई पैसा मेरे पास आ गया, चीज आ गया, तो वो उनकी वो जो एडवाइसेस ही जितनी भी उसने मुझे बहुत ज्यादा बचा कर रखा इन सब चीजों से, हाँ यार कि ये नहीं करनी। तो वो मुझे लगता है कि हाँ कि लाइफ में आपको एक गाइड करने वाला अच्छा हो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाती है। अली कभी बॉडी शेमिंग हुई है आपको? बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग पे तो शायद मेरे रिसेंटली अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा हो तो मैंने एक वीडियो भी लगाई है बॉडी शेमिंग के ऊपर, मैंने देखा है, और मुझे मतलब जिस तरह बॉडी करते थे, लेकिन पहले इस चीज का दुख होता था, अब नहीं है, अब कवर हो गया सारा कुछ, फर्क नहीं पड़ता। अब नहीं मुझे फर्क पड़ता, ठीक है अब मैं हूं तो हूं, नहीं मैं चेंज कर सकता। अब मैं जिम भी गया हूं, ये नहीं कि मैं नहीं गया, मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया। अब मैंने जिम अभी मैं आपको रिसेंटली बताता हूं कि मैंने रिसेंटली जिम ज्वाइन किया। अब जारी बात है एक बंदे ने जब कभी जिम किया ही नहीं है तो उसके लिए वो इस चीज की एक रूटीन में ना टाइम लगता है। तो पहले 7-8 दिन में बिल्कुल अच्छा था और मैंने पहले 8 दिन के अंदर 7 kg वेट लॉस किया। अच्छा पहले 8 पहले 8-10 दिन के अंदर मैंने रोज 1-1 किलो कम हो रहा था। ये इतना ज्यादा एकदम से, मतलब वो स्टार्टिंग उसने बताया कि गिरता तेजी से क्योंकि वो फूक शूक होते जो भी है, लेकिन मुझे भी मिल रहा था कि यार आई एम वेरी, कि मेरा वेट कम हो रहा है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैंने कुछ खा लिया, थोड़ा सा वेट इंक्रीज हो गया और अंदर फिर ऐसा, आपको पता हमारा यूट्यूब वीडियोज का काम ऐसा है, तो हम 2 दिन जिम नहीं गए, मैं तीसरे दिन जिम गया तो बंदा इन फ्रंट ऑफ एवरीवन उसने मुझे बेइज्जती कर दी। मैं इतना बुरा, आपको अब जैसे आपको बताया कि मैं डिप्रेशन में वो चीज़ें रहता हूँ, मेरे लिए चीज़ें ना बड़ी फिर मुश्किल हो जाती है। मुझे वो चीज़ बुरी नहीं लगी कि उसने मुझे गलत बोला है, वो मुझे अकेले में बोल देता है कि रहता चीज़ है, जिम में मैं जिनको जानता नहीं तो सबको कहता है लो इन्ने वेट लूज करना नहीं, छुट्टियाँ भी मौका दिया नहीं। देन मैं फिर घर आया तो मैंने उसको वो जो ऑनर था वो जिसने मेरा एडमिशन फॉर्म भरा था मैंने उसको टेक्स्ट किया, मैंने कहा यार मुझे यार बहुत बुरा लगा, देखो अब किस उसको कोई राइट नहीं बनता कि मुझे सबके सामने बेइज्जत करे, ठीक है मैं एक अगर मेरी एक रूटीन ही नहीं है तो हर इंसान जब कोई नई चीज़ करने लगता है उसको टाइम लगता है करने में, तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ फिर अब मैंने इस चीज़ को अपना प्लस पॉइंट बना लिया। सर लोगों को मेरे ख्याल से अभी तक ये चीज़ हम लोगों को नहीं, मैं हर वक्त मुझे ऐसा लगता है मैं पॉडकास्ट पर ऐसी बातें करता हूँ फिर लोगों को लगेगा कि बहुत ही यार मुल्क ऐसी बातें करता है, हम इस जो रीजन के लोग हैं ना हमें अभी तक ये चीज़ रियलाइज नहीं हुई कि आर्टिस्ट जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है। बिल्कुल जितना वो क्रिएटिव होगा वो उतना ही सेंसिटिव होगा, और हम लोग अभी कैजुअली कहते हैं चल के फर्क नहीं बंदा क्या था यार उन्होंने कहना है कि इट रियली मैटर्स कि आप अगले बंदे को क्या बात कर रहे हो कब कर रहे हो। अगर वो आपको जरूरी है कि मुझे कोई कह जाएगा मुझे बुरी नहीं लगी इसका मतलब ये नहीं कि अगले को बुरी नहीं लगेगी। हम लोग मुंह फाड़ के एकदम से किसी को जो है ना कोई ऐसी बात करते हैं उसको दिल पर लग जाती है, हमें पता नहीं चलता उस बात का।
तो अभी बस ये आदत होगी हुई है, अब तो सहने की। बट मैं ऑन अ सीरियस नोट बताऊं, यू लुक वेरी नाइस। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप चेंज हो जाओगे ना, तो जो करेक्टर्स आप कर रहे हो, जो थिंकिंग है, जिस तरह बातें कर रहे हो, वो चेंज हो जाएंगी बिल्कुल। तो वो अल्लाह मेरे हर इंसान को किसी वजह से किस तरह दिखा हुआ और वो सूट कर रहा था, तो मेरे ख्याल से तो ब्रो डू नॉट चेंज। नहीं नहीं, मुझे ऐसे बहुत, जब मैंने एक दफा डिसीजन लिया और मैंने बोला कि यार मुझे ये करना चाहिए, तो शायद 20% लोग होंगे जो कहते थे अब ये करो, 80% कहते थे नो, तुम जो हो दिस इज अ गुड थिंग। सूट कर रहे हो, मजा आ रहा है मुझे देख के, वो हर चीज है, तो मेरे लिए वो चीज अब अच्छी है। मैं अब इस चीज को मतलब नेगेटिव वे में नहीं लेता। हाँ, मुझे जब कहीं जाना है, मेरा पेट मोटा है, मेरी ये चीज ऐसे है भाई हूँ, लेकिन सबसे स्टिल बेटर हूँ, कुछ करते रहूँ लाइफ में, बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ी चीज। बिल्कुल, मैं मतलब ऐसे लोगों की तरह नहीं हूँ कि जो लाइफ में सिर्फ दूसरों को डिग्रेड कर रहे हैं, मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करके बैठा पाऊँ माशाल्लाह, तो उनसे बेटर हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, तो अली, अब आपकी दोस्ती भी है, आप काम भी करते हैं सारे कुछ, पहले मुझे बताएं कि व्हाट डू यू थिंक इज द डेफिनेशन ऑफ दोस्ती, फ्रेंडशिप? देखिए, मेरे ख्याल में तो दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है, मैं बल्कि पतरस बुखारी की एक लाइन है, मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है। वो कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि अगर आप अपने दोस्त के पास बैठे हो ना, तो अगर आप घंटों बैठे हो और अगर आपकी बात नहीं हो रही, लेकिन आप फिर भी हैप्पी फील करो, तो डैट्स कॉल्ड अ फ्रेंडशिप। तो मेरी नज़र में दोस्ती यही है। तो मेरी लाइफ में बड़े लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, बहुत लिमिटेड। मतलब अब समी है, समी मेरा एक बेहतरीन दोस्त है दोस्तों में से, लाइक जिसके साथ मेरी दोस्ती काफ़ी, बहुत लड़ाइयाँ हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत चीज़ होती हैं, लेकिन हमारी सबसे मजे की चीज़ ये है कि काम से लड़ाई नहीं होती, लड़ाई थी दोस्ती पे। मतलब मैं उसे कहूँगा कि भाई तू अब टेक्स्ट करके मुझे ये नहीं कहता, तू मुझे ये चीज़ें नहीं कहता। क्यूट लड़ाइयाँ होती हैं। हाँ, मतलब पहले क्या होता था ना, पहले एक दूसरे से मतलब ऐसे बातें करना, ये चीज़ें करना होती हैं। अब अगर मैं ऐसे ही रहता, हाँ भाई, हाँ जी मोटा जी, क्या ख्याल है वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो का आइडिया क्या है, हाँ नेक्स्ट वीडियो कब शूट करनी है, तो मैं कहता हूँ हमारा टाइम किधर गया। थोड़ा सा एक चीज है ना, सारी बात है, हर टाइम काम काम नहीं, दोस्ती भी आपकी एक चीज होती है, तो वो चीज होती है, वो भी फिर बोलता है हाँ बेटा तू जहाँ बिजी रहता है, फिर तुझे अपनी ये वाली चीजें होती है, तब मैं नहीं याद आता, तो वो एक मजा आता रहा। मेरे भाई ने भी मुझे पिछले दिन मुझे कहा, मैं अभी अपने दोस्त के साथ कह रहा हूं, उसने मुझे कहा कि उसको टाइम दिया कर, इसके पार्ट फ्रॉम दैट भी आप लोग टाइम स्पेंड किया करो। नहीं बिल्कुल, वो चीजें होनी चाहिए, क्योंकि काम के लिहाज से अलावा भी जो आपकी एक दोस्ती होती है ना, वो आपको बहुत। समी के बारे में दो अच्छी बातें, दो बुरी बातें। समी के बारे में एक बात है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, okay. ये उसकी अच्छी बात है, okay. और वो जो चीज होती है स्ट्रेट ऊपर बोलता है। ये दोस्तों के लिए कि सबके साथ ही? सबके साथ, ये जो मतलब अभी भी जो हमारी बात होती सीधा था वो। बिल्कुल, अगर उसके वो दो नंबरी नहीं करता, मतलब उसके माइंड में ये नहीं है कि मैं अब ये बोलूंगा तो बाद में ये बोलूंगा। अब मेरी ऐसी कई चीजें होती हैं जो मुझे तो लगता है गुड हो रही होती हैं, बट वो मुझे सीधा मना कर देगा कि नहीं सॉरी ये गलत है भाई, तुझे बुरा लगता तो लगे, लेकिन बार भी इन दैंड मुझे एहसास हो जाता है यार कहीं ना कहीं ठीक कह रहा होता है। ठीक है, एक तो उसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, दूसरी उसकी जो सबसे अच्छी बात है वो झूठ नहीं बोलता। वेरी नाइस, वेरी गुड। वो और दो बुरी बातें उसकी ये है कि एक वो फोन नहीं उठाता, मेरा दिल करता है जब मेरे कॉल नहीं उठाता, मैं उसका गला दबा दूं कसम से। ये बात तो सवाल नहीं करेंगे, नहीं 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 भाई, ये बंदा कॉल नहीं उठाता, और मुझे ना गुस्सा आता है इस चीज का कि यार ये कॉल क्यों नहीं उठाता, मतलब फोन अब इसके हाथ में भी हो रही, मतलब फोन नहीं उठा। खुदा की कसम मुझे इतनी चढ़ चढ़ती है, मेरे भी अभी ये दो भी आए हैं ना दो, मैं इनको फोन कर रहा हूँ रास्ते में कि बॉयज बाहर खड़े हैं, अब भी मेरी कॉल एंड हुई है, कॉल नहीं उठाई। बस ऐसी अब यही चीज होती है, और ये मतलब मुझे कॉल ना उठाने वाली इसकी हरकत जो बस सबसे गंदी लगती है। कोई एक और बुरी बात आते हैं, बुरी बातें बता क्या है, ये ना स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा है काम को, जब काम के मामले में होता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। अच्छी बात, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार दोस्तों तेरा थोड़ी सी नरमी तो दे दे उस वक्त, बिल्कुल हाँ तो काम करना था ना, ये टाइम था ना, लेकिन कोई भी नहीं, सब कैप्टन है यहाँ पे, मैं किसी एक पे नाम आ नहीं सकता, क्योंकि अब जैसे अगर हम समी की बात करें तो मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ कि चलो मैं तो एक्टिंग करके निकल जाता हूँ, लेकिन उसको चार चांद लगाने वाला बंदा ये है। बिल्कुल, अगर वो मेकिंग में डायरेक्शन ठीक नहीं लेगा तो तब भी अच्छा नहीं आऊंगा। लिखता कौन है? लिखता मोस्टली तो ज्यादातर चीजें मैं हूँ, लेकिन उसके अंदर चीजें ऐड करने वाले भी ये लोग होते हैं। जब मैं लाकर अपने आइडियाज के सामने रखता हूँ, फिर समी कहता है यार ब्रो इसने ये भी लाइन ऐड कर ले, फिर जारी बात है वो चीज और ज्यादा मजे की हो जाती है। तो इसलिए कोई किसी एक का नाम नहीं आता, तो मैं ये कहता हूँ कि ये पूरा टीम वर्क है। अच्छा, अब वीडियोस आ रही हैं YouTube पे, आप लोग बना भी नहीं सारा, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, आगे क्या करना है? यार फ्यूचर प्लान्स के लिए तो सोच भाई मेरा जो है अभी टेलीफिल्म्स और वेब सीरीज की तरफ जाने का मूड है, कि अभी क्योंकि आगे जो आ रहा है तो उसके अंदर ये चीजें बेस्ट रहेंगी, क्योंकि स्किट्स और ये चीजें अभी
बहुत ज्यादा कम हो गई हुई है और अब ज्यादातर एक ही चीज पे सर्वाइव नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा चेंज करो लोगों को, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि यार हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर आप देखा जाए तो पिछले 3 साल से लोगों की एक ही डिमांड है, पुप्पो देसी मोम। लेकिन लोग थक भी नहीं रहे ना उससे यार, मसला तो ये थक तो नहीं रहे, लेकिन मैं थक गया हूँ एक ही चीज करके ना, मेरा आर्टिस्ट बोर हो जाता है एक चीज, मतलब मेरा दिल करता है यार मैं लोगों को दिखाऊं कि मेरे अंदर और क्या चीज है, उन्हें मौका तो दो एक दफा दिखाओ तो सही यार क्या चीज है। लेकिन इंशाल्लाह तो उम्मीद है कि जब कोई नई चीज आएंगी लोग पसंद करेंगे। अच्छा, व्हाट इज योर नीश? आप लोग क्या लगता है कि आप जब इंशाल्लाह वेब सीरीज और फिल्म्स करेंगे तो किस टॉपिक पे या किस जॉनर में जाएंगे आप लोग? बेसिकली अभी तो मेरा ये है कि इमोशनल कॉमेडी नहीं छोड़ सकते, अगर कॉमेडी गई तो गए हम, ह्यूमर नहीं छोड़ना, ह्यूमर क्योंकि कॉमेडी है कि कॉमेडी तो आपकी होनी चाहिए, उसके अलावा इमोशनल, उसके अलावा आपको पता है जैसे सेलिब्रिटी होते हैं कुछ, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि डॉक्टर ये अब्दुल सदारीदी साहब है, मतलब ऐसी मतलब जिनके नाम है लेकिन इनके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, कोई शॉर्ट फिल्म नहीं बनी, कोई मूवी टाइप नहीं बनी, लोगों को बनानी चाहिए। अगर मैं तो और भी कॉन्टेंट क्रिएटर तो उनको भी चाहिए कि बनाओ यार ऐसी चीजों को जिंदा रखो, ये इन लोगों ने चीजें काम की हैं और वो पता लगना चाहिए, हमारी आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए कि अब्दुल सदारीदी साहब कौन थे, उन्होंने क्या काम किया और उनकी क्या क्या मतलब अपने मुल्क के लिए खिदमत, बड़ी स्टोरीज हैं हम लोग और तो वही चीज है, मतलब ऐसे और कितनी मतलब ऐसे करेक्टर्स हैं और मतलब स्पेशल पर्सन हैं, बट ये आगे मेरा यही काम है कि इन चीजों को उठाना, सोशल इश्यूज हो गए सबसे मेन चीज। कभी कोई एक्शन मूवी बनाने का वो मूड तो मैं हाफ फीस चार्ज करूंगा आपसे। ओके श्योर, जरूर, और आप लोग कर देना, मेरे मैनेजर से रابطہ कर लीजिए अंदर बैठे, ठीक है सर, ओके इंशाल्लाह। अच्छा वेरी गुड। अच्छा तो आप लोग ये अब जो टीम है आपकी वो 3 लोगों की है? जी जी, 3 लोगों की, खुद ही शूट खुद ही एडिट कर, हर चीज खुद ही कर रहे हैं, बाहर से कोई बंदा नहीं रखा हुआ, बाहर से कोई बंदा नहीं आ रहा, और अभी तक जबरदस्त चल रहा है, शोज पे जा रहे हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज ओके चल रही है, बस अंदर कभी कभी होता है अप्स एंड डाउन्स, आपको पता है पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर 1-2 मंथ डाउन जाते हैं चीज वाली बात है, मेंटली बंदा थक जाता है, इतने साल से लगे हुए हैं और फिर वही एक चीज भी करना, लेकिन ये बस थोड़ा सा माइंड को रिलैक्सेशन दो और दोबारा स्टार्ट हो। व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? आप अपने आप को एंड या स्टेबल किधर देखते हैं? मेरा तो, मैं तो प्रोडक्शन हाउस में ऐसा बोला, मेरा तो ड्रीम है इंशाल्लाह, लेकिन अगर मैंने यहाँ तक अगर ये अचीव किया तो मैं अपना वो भी ड्रीम अचीव करूंगा, मुझे यकीन है खुद पे इंशाल्लाह। सबसे मेन चीज आपको अपने आप यकीन होना चाहिए कि आप ये चीज करोगे और आप कर सकते हो, क्या जब आप ये कहोगे पता नहीं यार होना या नहीं होना, वो नहीं, आपको आपको यकीन होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आपके दिल में अच्छी थॉट्स हैं तो अल्लाह ताला भी फिर उसको पूरा कर देते हैं। अल्लाह ताला पे कितना वैसे, मुझे जहाँ तक मैंने जज किया तो मैं वेरी हैप्पी टू सी दैट योर फेथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे यकीन माने मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट मेरा फेथ ही सिर्फ एक ही चीज है, और मैं हर एक इंसान को ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला के साथ, मतलब मुझे ऐसा यकीन उन पे। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि अभी हम लोग रेगुलर नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन मुझे लाइफ में जब भी कोई टेंशन हुई है ना और मैंने सिर्फ एक नमाज पढ़ के दुआ मांगी है, मैं आपको ये यकीन से आगे बात कर रहा हूँ, मुझे कभी भी वो चीज़ ऐसा नहीं है, मेरी विद इन ऐसे नेक्स्ट वो चीज़ पूरी हो जाती है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम, और मुझे ये चीज़ का बहुत ज़्यादा सुकून है कि यस मेरे पास एक और चीज़ है, मैं जब उनसे बात करता हूँ वो वाकई अलग अलग लोगों को सुनती है। आपने कभी नोटिस किया वैसे जब हम लोग बहुत सैड या बहुत डाउन हो तो अल्लाह मियाँ कहीं ना कहीं से कोई ना मैसेज आ जाता है, कोई वीडियो आगे आ जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, कनेक्टेड ये सारी बात है, नेचर है ना, बेसिकली वो चला रहे हैं तो जब देखते हैं मेरा बंदा परेशान है वो किसी ना किसी तरीके अपनी तरफ खींच लेते हैं। अभी रिसेंटली जब मैं परेशान था या कोई, जब आपको कोई ड्रीम पूरा नहीं हो रहा होता तो कोई चीज़ ऐसी होती है, तो ऐसी मुझे एक वीडियो आई, तो वीडियो के अंदर लिखा हुआ था कि तहज्जुद के बारे में लिखा हुआ था, तो जब मैंने उस चीज़ को पढ़ा तो बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई थी कि जो बंदा तहज्जुद पढ़ता है तो उसके भाई हर ड्रीम्स पूरे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला वो बड़ी मजे की चीज़ें लिखी हुई थी। और जब मैंने तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट की, पहली बात तो ये एक जो नमाज पढ़ के सुकून मिलता है ना वो किसी चीज़ में नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, आप यकीन माने आप दो, मतलब आप सिर्फ एक नमाज पढ़ के देख लो उसके बाद आपको लगेगा यस मैं पढ़ा, नो डाउट उसके बाद आपकी, क्योंकि बेसिकली हम अपना, हमने रमजान की वीडियो बनाई थी नफ्स वाली, शायद आपने देखी हो लास्ट कि नफ्स क्या है, बेसिकली नफ्स ही तो शैतान है असल जो है, हमारे नफ्स पे में आदत नहीं होती हर चीज़ की, जब हम थोड़ी देर के लिए हम पे वो रहती है रिलीजियस चीज़, उसके बाद आस्ता आस्ता फिर हम दुनियादारी में घुस जाते हैं, वो चीज़ें कर जाते हैं, लेकिन अगर आपको बाकी हेल्प चाहिए ना तो दुनिया की बजाय अल्लाह ताला से बात करो। शैतान से याद आया, समी के बारे में तो बात कर ली हमने, बाजवे के बारे में बात नहीं की, और मैं ऑडियंस को क्लियर कर दूं, बाजवे का पूरा नाम क्या है? गोहर तलाल बाजवा। जी जी, मैं क्लियर कर दूं आपको, तो जी जी सॉरी Speechless bro. So, गौहर के बारे में दो अच्छी चीजें, दो बुरी चीजें।
गोहर के, अभी गोहर का बेसिकली आए जो है ना थोड़े टाइम हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो अभी ना तो मैं इसके बारे में कोई चीज कह सकता हूँ, अभी मैं ना इसकी पर्सनैलिटी को जज नहीं कर पा रहा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जो सीधी बात है, बुरी वाली बता दे, बुरी वाली लगता है, बुरी वाली इसकी बड़ी अजीब चीजें हैं। मतलब बुरी अगर शुरू करूँ ना, क्या बात हो जाके हाथी सोता। नहीं, इसकी वो चीजें अजीब सी हैं। मतलब हर काम उल्टा काम करना, कोई भी कोई काम सही तरीके से तो होना नहीं है। बात बात पे झूठ बोलना, ये चीजें मुझे समझ नहीं आती। चुप। वेरी नाइस यार, इतना सच। ओके, सो अली, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो, इट वाज लवली हैविंग यू। पहले जाते हुए ऑडियंस को एक अच्छा सा मैसेज और फिर मैं आपको कंक्लूड करूंगा। यार ये आपने ये पॉडकास्ट को अगर देखा है तो इसमें बहुत ज्यादा अच्छी बातें हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही अच्छी बात बोलूंगा, यार नमाज की पाबंदी जरूर कर लो। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो ना, तो लोगों के बजाय ना अपने अल्लाह ताला से बातें करके देखो, आपको जरूर रिस्पॉन्स मिलेगा, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। अली भाई के बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन इसको जितना भी मैं छोटा कंक्लूड करने की कोशिश करूँ कि हम ऑन कैमरा ऑन टीवी जो भी शख्स देख रहे होते हैं वो हमें एंटरटेन कर रहा होता है, देखते हैं यार क्या जिंदगी है इसकी, एकदम चढ़ गया है, ये पुदू लग गया, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया। लेकिन एक बहुत स्ट्रगल होती है पीछे, बहुत मेहनत होती है, और आपको नहीं पता होता कि वो अपने माइंड में क्या सोच रहा है, उसकी जिंदगी में क्या स्ट्रगल चल रही है। ऑन कैमरा आप इनको देखते हैं, या आपको मुझे ऐसा लगता था वेरी स्ट्रॉन्ग, और पता नहीं कि बॉय हैवी होगा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ होगा, पर लाइव इंटरेक्शन में वेरी सेंसिटिव, वेरी केयरिंग एंड अ वेरी हम्बल पर्सन। शो तो मैंड करने लगा था, एक सवाल मेरे जहन में आ गया, लड़कियां लाइने मारती बहुत ज्यादा, आंटियां दूर आंटियों के वैसे ही रहते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। आप आगे से आंटी को रिप्लाई करते हैं? नहीं, मैं रिप्लाई किसी को नहीं करता भाई, ये तो झूठ बोल रहा है। नहीं, सीरियसली मैं रिप्लाई किसी को नहीं करता। तो शादी शुदी का प्लान है? अभी नहीं, अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना है। अभी एंजॉय करना है आंटियों के साथ, जो भी मिल जाए, नो प्रॉब्लम, जो भी मिल जाए। तो जो भी चाहता है वो अली के साथ इस लाइफ एंजॉय करे, तो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।